हाय गाइस माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना हंड्रेड डेज ऑफ डीप लर्निंग प्ले कंटिन्यू करेंगे सो अगर आपको याद होगा हम पिछले दो तीन महीनों में मल्टीपल वीडियोस के थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो में भी मैं ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर ही कंटिन्यू करूँगा बट पहले मैं एक बार आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं सो आई शेयर माई स्क्रीन तो so, ये डायग्राम तो आपने बहुत जगहों पे देखा ही होगा यही है हमारा ट्रांसफार्मर्स का आर्किटेक्चर और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को अगर आपको स्टडी करना है तो पहले आपको उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और हम एग्जैक्टली exactly यही कर रहे हैं पिछले छः सात वीडियोज से सो so, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट uh, समझे ट्रांसफार्मर्स uh, के सबसे पहले हमने ये समझा कि एम्बेडिंग क्या होता है So, हमने एम्बेडिंग के बारे में डिस्कशन किया उसके बाद हमने अटेंशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया सेल्फ अटेंशन भी मल्टी हेड अटेंशन भी और लास्ट में हमने पोजिशनल एनकोडिंग भी पढ़ा तो ये जो तीन ऐसे कंपोनेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर में ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं बस एक लास्ट चीज़ बची है अब और वो है ये नॉर्मलाइजेशन सो so, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर का तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज करना होता है चीज़ों को और आप नॉर्मलाइजेशन के लिए लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हो सो so, आज का जो वीडियो है इट विल बी ऑल अबाउट लेयर नॉर्मलाइजेशन और क्यों हम ट्रांसफॉर्मर्स में लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं जबकि हमने बैच नॉर्मलाइजेशन पढ़ रखा है हम यहाँ पे क्यों यूज नहीं करते ऑनवर्ड्स so, so, तो हम लोग अब ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सो so, आज की वीडियो का प्लान ये है कि हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है डीप लर्निंग में बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसका एक क्विक रिविजन दूंगा मैं आपको और फिर उसके बाद हम लोग लेयर नॉर्मलाइजेशन में कूद पड़ेंगे ठीक है सो आई रियली होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लास्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बिकॉज इसके बाद असली आर्किटेक्चर शुरू होगा ठीक है सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो इस एकदम शुरू से शुरू करते हैं uh, एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और डीप लर्निंग में क्यों यूजफुल होता है नॉर्मलाइजेशन अब ऑनेस्टली अगर आप मशीन लर्निंग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ये सारी चीज़ें पता होंगी बट स्टिल आई गिव यू अ क्विक डेफिनेशन सो नॉर्मलाइजेशन इन डीप लर्निंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू हैव स्पेसिफिक स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज टिपिकली मीन ऑफ जीरो एंड अ वेरियंस ऑफ वन सो अगर आपके पास कोई फीचर है और उसमें अलग अलग नंबर्स हैं राइट तो आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होते हैं जैसे एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ पर आप हर नंबर को उठाते हो उसमें से उस पूरे कॉलम के मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो नया ट्रांसफॉर्म्ड कॉलम मिलता है उसका जो मीन होता है वो ज़ीरो होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होता है ये फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपने देखा है सिमिलरली एक और होता है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन uh, या मिन मैक्स स्केलिंग कहते हैं सो so, ये सब कुछ हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं सो so दैट आपका जो डेटा है वो एक गिवन रेंज में आ जाए राइट right? ये शायद आपको याद होगा तो हमने मशीन लर्निंग में पढ़ा था बट गेस वो डीप लर्निंग में भी ये बहुत काम आता है अब सवाल ये आता है कि आप एग्जैक्टली exactly किस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हो ठीक है सो so, आप दो चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हो डीप लर्निंग में Uh, जैसे अगर आप ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर देखो तो मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एफ वन है एफ टू है और एफ थ्री है यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं ठीक है तो ये हमारा इनपुट लेयर है ये हमारा हिडन लेयर है और ये हमारा आउटपुट लेयर है सो so आप डीप लर्निंग में दो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हो पहला आप यहाँ से जो इनपुट भेज रहे हो यहाँ से एफ वन भेज रहे हो यहाँ से एफ टू भेज रहे हो यहाँ से एफ थ्री भेज रहे हो आप इनको नॉर्मलाइज करके भेज सकते हो और ये किया भी जाता है ये आपने पास्ट में कर रखा है सेकेंड आप अगर चाहो तो हिडन लेयर के जो एक्टिवेशन है यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है आप इनको भी नॉर्मलाइज कर सकते हो इनफैक्ट आप करते हो तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि डीप लर्निंग में नॉर्मलाइजेशन किन चीजों के ऊपर लगाई जाती है तो आप बहुत आसानी से बोलते हो दो चीजों के ऊपर फर्स्ट आपके इनपुट के ऊपर एज एन इनपुट डेटा के ऊपर और सेकंड आपके हिडन लेयर के एक्टिवेशंस के ऊपर अगर आपका थोड़ा डीप न्यूरल नेटवर्क है इस तरीके का तो आप आगे वाले हिडन लेयर्स के एक्टिवेशंस के ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो ठीक है अब सवाल आता है कि क्यों क्या फ़ायदा होता है अगर मैं डीप लर्निंग में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करूँ ये सब कुछ ऑनेस्टली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बट आई एल गिव यू अ क्विक रिविजन सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है न्यूरल नेटवर्क की uh, जो आप बैक प्रिपेशन वगैरह लगाते हो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स टू स्टेबलाइज एंड एक्सक्लरेट द ट्रेनिंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द लाइवलीहुड ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज दैट कैन कॉज ग्रेडियंट्स टू एक्सप्लोर्ड और वैनिश राइट ऐसा हो सकता है ना कि आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो फिर आप वेट्स को अपडेट कर रहे हो तो मान लो ये वाला वेट काफ़ी बड़ा हो गया अब ये वाला वेट अगर बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली इसका एक्टिवेशन भी बड़ा हो जाएगा राइट right? एक्टिवेशन बड़ा होने से यहाँ पे आउटपुट पर फर्क पड़ेगा और बेसिकली आपका मॉडल जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा तो हमेशा बोला जाता है कि आपके एक्टिवेशनस और आपके इनपुट्स हमेशा एक गिवन रेंज में ही होने चाहिए इससे आपका ट्रेनिंग स्टेबल हो जाता है सेकेंड इज फास्टर कन्वर्जेंस बाय नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स और एप्टिवेशंस मॉडल्स कैन कन्वर्ज मोर क्विकली बिकॉज द ग्रेडियंट्स हैव मोर कंसिस्टेंट मैग्नीट्यूड्स दिस अलाउज फॉर मोर स्टेबल अपडेट्स ड्यूरिंग बैक प्रिपोगेशन सिमिलर पॉइंट ही है आपकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने का तरीका है नॉर्मलाइजेशन थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसको बोला जाता है इंटरनल कोवेरियट शिफ्ट अगर आप नॉर्मलाइजेशन यूज करते हो तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो और उस बड़ी प्रॉब्लम का नाम है इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट अब ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम क्या होती है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है अपने बैच नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो में जो इसी प्लेस्ट का पार्ट है आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ एक बार जाकर के ये वीडियो जरूर देखना अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाएगा एनी केस मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है सो so, मान लो हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि ऐसा दिखाई देता है राइट right? यहां से मैं अपना इनपुट भेज रहा हूं और यहां से मेरा आउटपुट आ रहा है राइट right? अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है तब मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है कोवेरिएट शिफ्ट एक ऐसा सिचुएशन या सिनेरियो है जहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो इनपुट है या आपका जो इनपुट डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जा रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग या प्रिडिक्शन मतलब ये हुआ कि आपने एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया बट जब आप प्रिडिक्शन करने गए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल गया फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लार क्लासिफिकेशन डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड किया बट आपने ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ रेड रोजेस दिए डेटा के अंदर राइट बट जब आप प्रिडिक्शन करने गए तो आप इस प्रिडिक्शन करते टाइम इस मॉडल को आप येलो रोज भी दे रहे हो आप वाइट रोज भी दे रहे हो और आप अलग अलग कलर्स के रोज दे रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग ट्रेनिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वाइल्ड प्रडिक्शन वो अलग अलग है तो ऑब्वियसली मॉडल का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तो इसको कोवेरिएट शिफ्ट बोला जाता है अब बात आती है कि इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है सो इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट का मतलब ये है कि आपके डीप लर्निंग मॉडल के जो अंदर वाले लेयर्स हैं जो हिडन लेयर्स हैं उनका जो आउटपुट है जिनको आप एक्टिवेशन बुलाते हो वो ओवर टाइम बदलते रहते हैं मतलब समझना इस बात को अगर मैं इतने को अपना न्यूरल नेटवर्क मानूं ठीक है थोड़ी देर के लिए एक अजम्पन लेके चल रहे हैं कि इस ब्लू बॉक्स में जो है वही मेरा न्यूरल नेटवर्क है तो इस ब्लू बॉक्स के लिए जो इनपुट है वो ये है राइट right? और ये जो इनपुट है वो एक्चुअली इस हिडन लेयर का आउटपुट है बट अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरिंग द बदलते रहेंगे because back propagation apply हो रहा है, तो इन weights के बदलने से automatically ये भी बदलता रहेगा, और अगर ये पूरी चीज बदलते रही तो इस न्यूरल नेटवर्क को जो इनपुट मिल रहा है वो भी ओवर टाइम बदल रहा है तो एक तरीके से ये कोवेरिएट शिफ्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है इनपुट का राइट right? सिंस ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर हो रहा है हिडन लेयर्स में हो रहा है इसीलिए इसको बुलाया जाता है इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट राइट और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको इस प्रॉब्लम से भी बचाता है कैसे बचाता है वो मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में कवर कर रखा है सो आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या फिर आप भूल चुके हो तो एक बार जाकर के ये वीडियो दोबारा देखना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ठीक है एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ अपलाइंग नॉर्मलाइजेशन इज कि कुछ फॉर्म्स ऑफ रेगुलर आई एम सॉरी कुछ फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको रेगुलराइजेशन इफेक्ट भी देते हैं जैसे कि बैच नॉर्मलाइजेशन अगेन कैसे देते हैं ये मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है ठीक है तो इन शॉर्ट नॉर्मलाइजेशन इज दिस टेक्निक जहाँ पर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके uh, अपने डेटा को एक गिवन रेंज में रखना चाहते हो उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो जैसे कि मीन ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन वन डीप लर्निंग में भी नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप दो तरीक़ों से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो या तो आप इनपुट डेटा पे करते हो या तो आप एक्टिवेशनस के ऊपर करते हो और फ़ायदा क्या है ये चार फायदे हैं ट्रेनिंग स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है कन्वर्जेंस फास्ट होता है इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हल्का सा रेगुलराइजेशन का इफेक्ट भी आता है अब हमने ना Uh, अभी तक अगर आप बात करो एक्टिवेशंस को नॉर्मलाइज करने की इनपुट्स को नॉर्मलाइज करना तो हमें आता ही है इसमें सिखाने का कुछ नहीं है एक्टिवेशंस को अगर आप नॉर्मलाइज करना चाहते हो तो इसका हमने एक टेक्निक पढ़ा था बैच नॉर्मलाइजेशन अगेन दिस वीडियो यहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि बैच नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है अब आज हम लोग एक सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे जो आप एक्टिवेशन के ऊपर अप्लाई करते हो और इसका नाम है लेयर नॉर्मलाइजेशन मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं हम इन एक्टिवेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और नेयर लेयर नॉर्मलाइजेशन उसी में हमें हेल्प करता है सो so अब इस वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक रिविजन दूंगा कि बैच नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है क्योंकि इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू लेयर नॉर्मलाइज नॉर्मलाइजेशन फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैच नॉर्मलाइजेशन सीक्वेंशियल डेटा पे आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते और फिर हम लोग लेयर नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि लेयर नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मर्स के केस में कैसे काम करते हैं दिस विल बी द फ्लो ऑफ द वीडियो आई रियली होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सो so चलो गाइज अब मैं आपको एक क्विक uh, रिविजन देता हूँ कि बैच नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है ठीक है पहले एक बार आपको मैं सेटअप समझा देता हूँ सो दिस इज़ द सेटअप हमारे पास एक सिंपल डेटा है जहाँ पर हमारे पास दो फीचर्स हैं ऑब्वियसली एक आउटपुट कॉलम भी होगा वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बिकॉज़ यूज़फुल नहीं है दो इनपुट फीचर्स हैं एफ़ वन एफ़ टू और इसमें खूब सारे रोज़ हैं ठीक है, है? फिलहाल मैंने टॉप फाइव रोज़ को नंबर्स दे रखे हैं आगे वाले में आप अज्यूम कर सकते हो कि इसी तरह के नंबर्स होंगे ठीक है और ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है आर्टिफिशियल नेटवर्क जिसको हम यूज करेंगे आ, इस डेटा के ऊपर ट्रेन करने के लिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा इनपुट लेयर है ये हमारा फर्स्ट एंड ओनली हिडन लेयर है और ये हमारा आउटपुट लेयर है हमें क्या करना है हमें बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना है विच बेसिकली मीन्स कि इस नोड के आउटपुट इस नोड के आउटपुट और इस नोड के आउटपुट से जो एक्टिवेशंस निकलेंगे उनको हमें नॉर्मलाइज करना है ठीक है तो देखते हैं कैसे काम होगा सो so, हम क्या करेंगे हम बैचेस में इस डेटा को इस न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे अभी आप मान लो बैच साइज फाइव है विच मीन्स कि मैं ये पूरा फर्स्ट फाइव रोज का डेटा एक साथ इस न्यूरल नेटवर्क में भेजूंगा ठीक है पूरा मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वगैरह होगा और हमें आउटपुट मिलेगा बट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको आ, एक एक करके दिखाता हूँ कि जब ये फर्स्ट रोज आएगा तब क्या होगा जब ये सेकेंड रोज आएगा तब क्या होगा थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रो जाएगा तो क्या होगा जस्ट एक बार मैं आपको सीक्वेंशली दिखाता हूं हालांकि ये होगा सारा का सारा एक साथ सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट रो को भेजेंगे मतलब यहां से टू जाएगा यहां से थ्री जाएगा ठीक है और मान लेते हैं कि ये जो वेट्स यहां पर दिख रहे हैं आपको ये सिक्स वेट्स जो आपको दिख रहे हैं इनकी कुछ इनिशियल वैल्यू है हमें फिलहाल फोकस करना है इस वेट के ऊपर और इस वेट के ऊपर ठीक है और हमें फोकस करना है इस नोड के ऊपर ओके सो थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि ये W1 वेट है और ये W2 वेट है और इस नोड का बायस B1 है थोड़ी देर के लिए तो यहां पर हम Z1 वन कैलकुलेट करेंगे और Z1 होगा टू मल्टीप्लाइड बाय W1, W1 का जो भी वैल्यू है प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय W2 टू टू का जो भी वैल्यू है प्लस बी वन बी वन का जो भी वैल्यू है ठीक है अब हमें क्या करना है ये जेड वन को ही नॉर्मलाइज करना है अगर आपको याद होगा बैच नॉर्मलाइजेशन वीडियो में तो फिलहाल नॉर्मलाइज करने के पहले मैं एक काम करता हूँ यहां पर हमारे डेटा में एक कॉलम बना लेता हूँ जेड वन बोल के ठीक है तो एक नंबर अज्यूम कर लेते मान लो ये पूरा सॉल्व करने पे सेवन आया तो हम यहाँ पे सेवन लिख देंगे ठीक है अब हम फोकस करते हैं इस वाले नोड के ऊपर और स्पेसिफिकली फोकस करते हैं इस वेट के ऊपर और इस वेट के ऊपर इसको W3 थ्री बुला लेते हैं इसको W4 फोर बुला लेते हैं और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं Z2 टू मतलब इस वाले का एक्टिवेशन या वेटेड सम बोल सकते हो एक्चुअली एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद आता है तो वेटेड सम हो रहा है ये तो अब होगा टू टाइम्स डब्लू थ्री प्लस थ्री टाइम्स डब्लू फोर प्लस यहाँ पर बी टू हो जाएगा बायस और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये नंबर फाइव आ रहा है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक और कॉलम बना लेता हूँ जेड टू और इस रो के लिए जेड टू का वैल्यू कितना आया फाइव अब हम फोकस करते हैं इसके ऊपर और स्पेसिफिकली फोकस करते हैं इस वेट और इसके ऊपर सो so, ये हो गया डब्लू फाइव डब्लू सिक्स और यहाँ पे आ गया बी थ्री अब हम सिमिलरली जेड थ्री निकालेंगे और जेड थ्री होगा टू टाइम्स डब्लू फाइव प्लस थ्री टाइम्स डब्लू सिक्स प्लस बी थ्री मान लेते हैं नंबर फोर आया और मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना लेता हूँ जेड थ्री तो फर्स्ट रो के लिए जेड थ्री का वैल्यू आया फोर और इस तरीके से फर्स्ट रो का काम हो गया अब क्या होगा हमारा अगला रो जाएगा इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर सो so, यहां पर वन एंटर करेगा यहां पर भी वन एंटर करेगा और फिर से बिल्कुल सेम तरीके से हम Z1 वन कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस रो Z2 टू कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस रो एंड Z3 थ्री कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस रो सो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आया टू थ्री फोर फिर हम अगले वाले को भेजेंगे और इस तरीके से फॉर एवरी रो वी विल हैव थ्री सो ये सारे नंबर्स मैंने अज्यूम कर रखे हैं बट आप समझ रहे हो कि ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं अब यहीं से बैच नॉर्मलाइजेशन का काम शुरू होता है दिस इज प्लेस वेर वी अप्लाई बैच नॉर्म ठीक है सो so, हमें क्या करना होता है हमें इन Z1 वन वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना होता है इन Z2 टू वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना होता है और इन Z3 थ्री वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना होता है ठीक है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले ये Z1 के लिए मीन निकालना पड़ेगा बेसिकली इन सारे नंबर्स का आप मीन निकालोगे ठीक है और फिर उस मीन की हेल्प से आप सिग्मा निकालोगे और सिंस ये z1 की बात हो रही है तो आप इसको म्यू वन बुलाओगे और आप इसको सिग्मा वन बुलाओगे सिमिलरली इसके लिए भी आप म्यू निकालोगे और इसके लिए भी आप सिगमा निकालोगे इसको आप म्यू टू बुलाओगे इसको आप सिग्मा टू बुलाओगे इसके लिए भी म्यू निकालोगे इसके लिए भी सिगमा निकालोगे इसको आप म्यू थ्री बुलाओगे इसको आप सिगमा थ्री बुलाओगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सारे नंबर्स हमने निकाल लिए अब आप क्या करोगे अब आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करोगे अब आपको इस नंबर को नॉर्मलाइज करना है तो आप क्या करोगे आप लिखोगे सेवन माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिगमा वन जैसे आप नॉर्मली स्टैंडर्डाइज करते हो इससे आपको एक नंबर आएगा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो नंबर आ रहा है पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है अब एक चीज और करनी होती है आपको बैच नॉर्मलाइजेशन में शायद आपको याद भी होगा कि आपको स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन करना होता है सो so, होगा क्या कि फॉर एवरी नोड फॉर ईच ऑफ योर नोड्स, आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, बीटा एंड गामा, ठीक है, सो इसको बीटा वन, वन बोल लेते हैं इसके लिए भी बीटा टू गामा टू इसके लिए बीटा थ्री गामा थ्री ठीक है अब आप क्या करोगे इस नंबर को उठाओगे और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे Uh, आपका गामा वन को और उसमें आप ऐड कर दोगे बीटा वन को ये इनिशियली इसका वैल्यू वन होता है बीटा का वैल्यू जीरो होता है इनिशियली ये लर्नेबल पैरामीटर्स है तो ट्रेनिंग के दौरान इनकी वैल्यूज चेंज होंगी सो so, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कॉन्सेपचुअली समझना है सो so, फिलहाल मान लो अगर वन है तो फाइनली ये नंबर आ जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स तो अब आप क्या करोगे इस जेड वन को जो अभी सेवन था इसको रिप्लेस कर दोगे विथ पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है फिर सिमिलरली आपको अगले वाले को नॉर्मलाइज करना है तो फिर से क्या करोगे टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन इससे मान लो आपको एक वैल्यू मिली पॉइंट सेवन वन अब आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे गामा वन से और उसमें ऐड कर दोगे बीटा वन से और फिर से आपको ये वैल्यू मिली तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे फिर आप इसके ऊपर भी लगाओगे इसके ऊपर भी लगाओगे इसके ऊपर भी लगाओगे तो ये जेड वन आपका पूरा का पूरा नॉर्मलाइज हो गया अब आप मूव करोगे Z2 की तरफ तो मान लो आपको इस फाइव को नॉर्मलाइज करना है तो अब आप लिखोगे फाइव माइनस म्यू टू लो आपको मिला माइनस पॉइंट टू वन अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे गामा टू को बिकॉज ये इस नोड का एक्टिवेशन है और इसमें आप ऐड कर दोगे बीटा टू को इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी फिर सेम चीज़ आप यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे लगाओगे और आपका ये वाला पूरा नोड के सारे एक्टिवेशनस हमने नॉर्मलाइज कर लिए अब बारी आती है इसकी तो इसके लिए फिर से फोर माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाय सिग्मा थ्री मान लो ये नंबर आता है पॉइंट वन टू अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे गामा थ्री से और यहाँ पे आप लगा दोगे बीटा थ्री को और इससे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसको आप यहाँ पे डाल दोगे और इस तरीके से आप अपने सारे जेड्स को नॉर्मलाइज कर दोगे और एक बार जब नॉर्मलाइज हो गया उसके बाद आप इसको अपने एक्टिवेशन फंक्शन में भेज दोगे और एक्टिवेशन फंक्शन जो भी आउटपुट देगा वही आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा फॉर ईच ऑफ द रोज सो दिस इज हाउ बैच नॉर्मलाइजेशन वर्कस ये मैंने आपको समझा दिया था पिछले उस वीडियो में ये इसका एक क्विक रिविजन है ठीक है अगेन आई वुड रिकमेंड अगर आपको याद नहीं है प्लीज जाओ और उस वीडियो को देखो सो नाउ दैट यू नो कि बैच नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है अब मैं आपको exact reason बताता हूं कि Transformers architecture में batch normalization के बदले layer normalization क्यों use होता है। है, so, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आपका जो बैच नॉर्मलाइजेशन है वो सेल्फ अटेंशन के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता दिस इज द मेन रीजन या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बैच नॉर्मलाइजेशन सीक्वेंशियल डेटा पे अच्छे से काम नहीं कर पाता यहाँ पर अगर आप ये देखो ये बहुत ही फेमस डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर का यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो नॉर्मलाइजेशन स्टेप है वो जस्ट अटेंशन के बाद लगाया हुआ है राइट right? सो so, मैं अभी आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको सेल्फ अटेंशन के ऊपर बैच नॉर्म लगा के दिखाऊंगा राइट right? और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्यों आप सेल्फ अटेंशन के साथ बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते ठीक है बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है अगले दस मिनट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा ठीक है सो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक क्विक इंट्रो दे देता हूँ सेल्फ अटेंशन का सेल्फ अटेंशन में आपके पास एक सेंटेंस होता है जैसे यहाँ पर है रिवर बैंक आप उस सेंटेंस को टोकनाइज करते हो सिंपल शब्दों में वर्ड बाय वर्ड तोड़ देते हो यहाँ पे दो वर्ड्स बन गए रिवर एंड बैंक उसके बाद आप इन दोनों का एम्बेडिंग निकालते हो एम्बेडिंग वेक्टर निकालते हो जनरली uh, वो काफ़ी बड़ा होता है बट इस डायग्राम में मैंने फोर डायमेंशन का ले रखा है हमेशा याद रखना हर वर्ड का एम्बेडिंग वेक्टर का डायमेंशन सेम होगा सो so, अगर रिवर का फोर डायमेंशन का है तो बैंक का भी फोर डायमेंशन का ही होगा अब हम क्या करते हैं इन दोनों एम्बेडिंग वेक्टर्स को सेल्फ अटेंशन में भेजते हैं और सेल्फ अटेंशन का, का काम होता है कि इन एम्बेडिंग वैक्टर्स से कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर्स जनरेट करना सो so, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिवर वर्ड का ही कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर है जो कि इस बात का ख्याल रख रहा है कि वो बैंक वर्ड के साथ आया है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो बैंक वर्ड का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर है जो इस बात का ख्याल रख रहा है कि वो रिवर वर्ड के साथ आया है एक और चीज ध्यान देने की ये है कि ये दोनों वैक्टर्स भी फोर फोर डायमेंशन के ही हैं जितने डायमेंशन का आप यहां से इनपुट भेज रहे हो उतने ही डायमेंशन का आपको आउटपुट मिल रहा है ठीक है तो ये आप कम से कम पचास बार पढ़ चुके हो सो so, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर मैं ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा हूँ सो अभी तक मैंने आपको हर बार ये दिखाया है कि आप सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में एक बार में एक सेंटेंस भेजते हो राइट right? जैसे यहाँ पर आप रिवर बैंक भेज रहे हो बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप चाहो तो सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में एक साथ एक से ज्यादा सेंटेंसेस भी भेज सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बैचेस और ये कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसके पहले एक बार सेटअप समझ लो सो so, मान लो हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर हम सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं ठीक है विच मीन्स हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं और उनका सेंटिमेंट दिया हुआ है और हम इसके ऊपर अपने सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल को ट्रेन करना चाहते हैं सो राइट नाउ हमारे डेटा सेट में चार सेंटेंसेज हैं हाय नितेश हाउ आर यू टुडे आई एम गुड यू क्वेश्चन मार्क ठीक है अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करवानी है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल और मैंने क्या डिसाइड कर रखा है कि मैं एक बार में सेल्फ अटेंशन के अंदर दो सेंटेंसेस को भेजूंगा विच मीन्स मेरा बैच साइज दो का होगा मतलब ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ जाएंगे उसके बाद फिर ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ जाएंगे ये मेरा सेटअप है एक चीज और यहाँ पर हर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एम्बेडिंग वेक्टर में यूज करूंगा उसका डायमेंशन थ्री होगा जैसे यहाँ पर फोर है ठीक है ये हमारा सेटअप है अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं जितने भी वर्ड्स हैं मेरे हर सेंटेंस में फिलहाल मैं पहले दो सेंटेंसेज पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज वो हमारा फर्स्ट बैच बना रहा है तो मैं अपने फर्स्ट दो सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका एम्बेडिंग वेक्टर कैलकुलेट करूंगा so see, पर मैंने exactly यही कर रखा है ये का embedding vector है, ये नितिश का embedding vector है, का का, 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 है, 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 हाउ आर यू टुडे कोई नहीं सारे के सारे रैंडम नंबर्स हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिए सो so उसपे मत दिमाग लगाना कि ये नंबर्स कहां से आए ये आपको कोई मॉडल जनरेट करके दे देता है फिलहाल ये सब रैंडम है अब यहां पर आपको सीधे सीधे एक प्रॉब्लम दिखाई देगी आपको ये दोनों सेंटेंसेस को भेजना है बट प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं और सेकेंड वाले सेंटेंस में फोर वर्ड्स हैं राइट right? बट यहां पर यू कैन सी आपको सेल्फ अटेंशन में अगर एक साथ दो सेंटेंसेस को भेजना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों में वर्ड्स बराबर होने चाहिए ये एक रिक्वायरमेंट है अब वर्ड्स कैसे बराबर करेंगे आई गेस आपको ये बात पहले से पता है आप यूज करोगे पैडिंग का कॉन्सेप्ट सो यहाँ पर आप दो वर्ड्स ऐड कर दोगे एक वर्ड दो वर्ड और ये रहा आपका नया सेटअप सो यू कैन सी दिस इज योर सेंटेंस वन दिस इज योर सेंटेंस टू फर्स्ट सेंटेंस में भी चार वर्ड्स हैं हाय, नितिश पैडिंग पैडिंग सेकेंड में भी चार वर्ड्स हैं और ऑब्वियसली पैडिंग का एम्बेडिंग वेक्टर कंप्लीटली जीरो होगा राइट right? बट एक चीज अच्छी हो गई कि अब हमारे पास हमारा जो इनपुट है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया सेल्फ अटेंशन में जाने के लिए ठीक है तो अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा सेटअप यहां से हम सेंटेंस वन को भेज रहे हैं यहां से हम सेंटेंस टू को भेज रहे हैं हर वर्ड का हमें कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ अटेंशन ठीक है सो so, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है अंदर बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू के वी मेट्रिस होंगे उनसे मल्टीप्लाई करके हमें क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर्स मिलेंगे फॉर बोथ द सेंटेंसेस और फिर वो सारे कैलकुलेशन होंगे और फिर हमारे को हमारा कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मिल जाएगा सो so, एक काम मैं कर सकता हूँ इस पूरी चीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए ये फिलहाल थोड़ा सा शायद अजीब आपको दिख रहा होगा तो वॉट कैन डू इज हम इसको मेट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं राइट यू कैन सी मैंने क्या किया आगे मैंने इस पूरे फर्स्ट सेंटेंस को पकड़ा, पकड़ा, पकड़ा इसको इसको और इसको पकड़ा और ये वाला मेट्रिक्स फॉर्म कर दिया आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो ये आपका हाई का एम्बेडिंग है ये नितिश का एम्बेडिंग है ये पैडिंग का एम्बेडिंग है ये पैडिंग का एम्बेडिंग है, है ये देखो ठीक है और सिमिलरली जो सेकेंड वाला सेंटेंस था मैंने उसके भी सारे एम्बेडिंग वैक्टर्स को पकड़ करके ये मेट्रिक्स बना दिया है ये हाउ का है ये आर का है यू का है ये टुडे का है राइट सो so, ये दोनों मेट्रिस एक साथ जाएंगे सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में अंदर वो सारे कैलकुलेशंस होंगे आप ये सारे कैलकुलेशंस एक बार कॉपी पेन लेके कर सकते हो कुछ वेट मेट्रिक्स अज्यूम करके या फिर आप चार्ट जी से भी करवा सकते हो बेसिक uh, फंडा ये है कि जब ये मेट्रिक्स घुसेगा इस सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में तो ये फिलहाल फोर क्रॉस थ्री का है ये भी फोर क्रॉस थ्री का है तो यहां से जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वहां पे भी मुझे दो मेट्रेसेस मिलेंगे सो फोर क्रॉस थ्री और यहां से भी फोर क्रॉस थ्री एक्चुअली ये ऐसा लिखने से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट एक्चुअली हम यहाँ पे ना एक सिंगल टेंसर भेज रहे हैं और वो टेंसर का शेप है टू कामा फोर कामा थ्री बेसिकली दो मेट्रिसेस जिनका शेप फोर कॉमा थ्री है ये है एक सिंगल टेंसर और यहाँ पे आउटपुट पर भी हमको एक सिंगल टेंसर मिलेगा टू कॉमा फोर कॉमा थ्री का जिनको हम दो अलग मेट्रिज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट है वो एक सिंगल टेंसर शायद अब आपको अजीब ना लगे राइट right? सो so, यही यहां पर हुआ है ये देखो ये रहे मेरे दोनों इनपुट मेट्रिस और इनसे सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल ने ये कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जनरेट करके दिया ये है सेंटेंस वन के लिए और यह सेंटेंस टू के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा है एक चीज नोटिस करने की है कि पैडिंग वाले जो सारे वैल्यूज थी उनका जो आउटपुट आया है वो भी जीरो ही है और ये आप बहुत आसानी से आ, समझ सकते हो कि ज़ीरो क्यों आएगा बिकॉज अंदर जाकर के आप बस मल्टीप्लीकेशन से ही कर रहे हो तो अगर यहां पे जीरो है इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही होगा राइट दैट इज वाई ये एंड तक जीरो रह गए बाकी नंबर्स नॉन जीरोज हैं बट जो भी है अब मेरे पास मेरे फर्स्ट सेंटेंस के हर वर्ड का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर है मेरे पास मेरे सेकेंड सेंटेंस के हर वर्ड का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग है राइट right? अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है Since ये नंबर्स किसी रेंज में नहीं है बहुत वेरी कर रहे हैं यू कैन सी 6.5 भी है 9.2 भी है इट्स अ गुड आइडिया राइट नाउ कि आप इन नंबर्स को नॉर्मलाइज कर दो और हम नॉर्मलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन राइट तो बैच नॉर्मलाइजेशन यहां पे कैसे होगा कि आप इन दोनों वेक्टर्स को स्टैकअप कर लोगे वर्टिकली यू कैन सी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फर्स्ट एम सॉरी अगर मैं बार बार वेक्टर्स बोल रहा हूँ दीज आर मैट्रिसेस और ये आपका सेकंड वाला है एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो राइट right? और यहां पे हर कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन डायमेंशन 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 ऑफ द कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग सो दिस 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 इज 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 यू रिमेंबर हमारे पास एम्बेडिंग में तीन डायमेंशन थे सो so अब हमें क्या करना है हमें लगाना है बैच नॉर्मलाइजेशन और आपको शायद याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि बैच नॉर्मलाइजेशन में आप ऐसे कॉलम पकड़ के नॉर्मलाइजेशन करते हो तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ करोगे आप इस फर्स्ट वाले कॉलम के हर नंबर को पकड़ोगे और उसकी हेल्प से आप म्यू वन और सिग्मा वन निकालोगे सिमिलरली सेकेंड वाले कॉलम से भी आप म्यू टू सिग्मा टू निकालोगे थर्ड वाले के लिए भी आप म्यू थ्री सिग्मा थ्री निकालोगे और कहने की बात तो है ही नहीं फर्स्ट वाले कॉलम का खुद का गामा वन बीटा वन होगा सेकेंड वाले का गामा टू बीटा टू होगा और थर्ड वाले का गामा थ्री बीटा थ्री होगा राइट यू कैन सी हमारे पास दो बैचेस थे राइट आई एम सॉरी हमारे पास एक बैच में दो सेंटेंसेस uh, थे और हम उस पूरे बैच के अक्रॉस नॉर्मलाइज कर रहे हैं उस बैच की हर सेंटेंस को यूज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच नॉर्मलाइजेशन राइट अब यहां पर आई वुड लाइक कि आप एक बार वीडियो पॉज करो और सोच के बताओ कि यहां पर अगर मैं बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे लगता है आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आई गेस आप समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है अगर आप ध्यान से सोचो ये तो हमने दो सेंटेंसेस लिए राइट और उसमें भी जो बड़ा सेंटेंस था उसमें चार वर्ड्स थे वॉट इफ मेरा जो बैच साइज है वो हो लेट्स से थर्टी टू मतलब हम थर्टी टू सेंटेंसेस को एक साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और मान लो उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट सेंटेंस है वो हंड्रेड वर्ड्स का है और बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो ऑन एन एवरेज थर्टी वर्ड्स के हैं तो आई गेस आप समझ पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ये जो ज़ीरोज हैं ये बहुत बढ़ जाएंगे राइट फर्स्ट सेंटेंस में दो रोज कंप्लीट जीरो है उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस में ट्वेंटी फिफ्थ सेंटेंस में थर्टी सेकेंड सेंटेंस में खूब सारे जीरोज होंगे बिकॉज सबसे बड़ा वाला जो वर्ड सेंटेंस uh, है वो हंड्रेड वर्ड्स का है तो पैडिंग करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ पैडिंग वैक्टर्स राइट बट आई एम ट्राइंग टू से जब आप इस तरीके से एक कॉलम का मीन निकालने जाओगे तो उसमें आपको खूब सारी जीरो वैल्यूज मिलेंगी बिकॉज ऑफ पैडिंग राइट आई होप आप समझ पा रहे हो राइट right? आप खुद सोचो अगर एक कॉलम में आपको मीन निकालना है और वहां पे अननेसेसरीली खूब सारी जीरो वैल्यूज आ जाए अननेसेसरीली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये पैडिंग हमने सिर्फ इस मजबूरी में लगाई थी क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बराबर करने थे ये ओरिजिनल डेटा का पार्ट नहीं है ये जो सारे जीरोज हैं ये हमारे ओरिजिनल डेटा का पार्ट नहीं है बट हमें इनको मजबूरी में यहाँ रखना पड़ रहा है एंड मजबूरी क्या है कि ये नंबर ऑफ़ जीरोज बहुत ज़्यादा हैं हमारे डेटा में अब अगर आपके पास एक ऐसा डेटा हो जिसमें अननेसेसरीली बहुत सारे जीरोज हो जो कि जरूरत भी नहीं थी और फिर आपको बोला जाए उस डेटा का मीन निकालने के लिए क्या कभी भी वो मीन उस डेटा का ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा आई होप आप समझ पा रहे हो वो मीन उस डेटा का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन उस डेटा का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता एंड दैट इज वाई आप बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करते इन द केस ऑफ सेल्फ अटेंशन एंड ट्रांसफॉर्मर्स आई रियली होप ये बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे करके मैं आपको ये इंट्यूशन दे पाया कि क्यों आप बैच नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं कर सकते एंड ये बात ट्रू है फॉर ऑल सीक्वेंशियल डेटा ये सीक्वेंशियल डेटा की प्रॉब्लम है राइट right? आप नॉर्मल डेटा में आराम से लगा सकते हो बट सीक्वेंशियल डेटा में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पैडिंग वाले जीरोस की ठीक है तो अब मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया कि क्यों आप बैच नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं करते ट्रांसफॉर्मर्स में अब इस प्रॉब्लम का रेमेडी डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन है लेयर नॉर्मलाइजेशन तो अब मैं आपको समझाऊंगा लेयर नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है और फिर मैं आपको इस पर्टिकुलर सेटअप में लेयर नॉर्मलाइजेशन लगा के दिखाऊंगा सो so, चलो गाइज अब मैं आपको समझाता हूँ कि लेयर नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है और लेयर नॉर्मलाइजेशन समझाने के लिए जो सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली exactly वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैच नॉर्मलाइजेशन समझाने के लिए यूज़ किया था ठीक है सो एग्जैक्टली सेम न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली सेम डेटा ठीक है कुछ और चीज़ें सिमिलर हैं हम बिल्कुल सेम तरीके से जेड कैलकुलेट कर रहे हैं जेड क्या है प्री एक्टिवेशन फॉर द फर्स्ट नोड जेड टू कैलकुलेट कर रहे हैं प्री एक्टिवेशन फॉर द सेकेंड नोड जेड थ्री कैलकुलेट कर रहे हैं प्री एक्टिवेशन फॉर द थर्ड नोड ठीक है फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स ये सेटअप आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर एक चीज और सिमिलर है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हर नोड का खुद का गामा और बीटा पैरामीटर्स है ये बिल्कुल सेम है ठीक है अब मेन डिफरेंस कहां पे आता है कि आप जब बैच नॉर्मलाइजेशन लगाते हो तो आप नॉर्मलाइज करते हो अक्रॉस द बैच राइट जैसे ये पांचों रोज मिलाकर के एक बैच है तो आप इस डायरेक्शन में नॉर्मलाइज करते हो राइट right? बट जब आप लेयर नॉर्मलाइजेशन लगाते हो तो आप नॉर्मलाइज करते हो अक्रॉस तो फीचर विच मींस आप इस डायरेक्शन में नॉर्मलाइज करते हो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप सबसे पहले ये निकालोगे फर्स्ट रो के लिए अक्रॉस ऑल फीचर्स फिर आप सेकेंड वाले के लिए अलग से निकालोगे म्यू टू सिगमा टू और ऐसे करते करते लास्ट वाले के लिए आप निकालोगे म्यू फाइव सिग्मा फाइव ठीक है अब आप क्या करोगे फर्स्ट वाले नंबर को पकड़ोगे और इसको स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज करने के लिए आप यह लिखोगे सेवन माइनस म्यू वन इस पूरे रो का जो भी मीन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इससे आपको एक नंबर मिलेगा मान लेते हैं वो नंबर पॉइंट ठीक है. है अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे हम Z1 का जो गामा और बीटा है उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 का गामा और बीटा क्या है गामा वन और बीटा वन सो so, हम गामा वन प्लस बीटा वन करेंगे और इससे हमें जो नंबर मिलेगा वो इस सेवन को रिप्लेस करेगा ठीक है इसको करके देखते हैं सो so, इसके लिए भी आप निकालोगे फाइव माइनस म्यू वन बिकॉज ये फर्स्ट रो है सिग्मा वन ये जो भी नंबर आया इसको अब आप z2 के गामा और बीटा पैरामीटर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू राइट गामा टू प्लस बीटा टू अगर आपको इसको नॉर्मलाइज करना है तो आप लिखोगे फोर माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय सिंस ये z3 है तो आप इसको गामा थ्री प्लस बीटा थ्री से एड करोगे अगर आपको इसको करना है तो फिर आप लिखोगे टू माइनस सिंस अब आप सेकेंड रो में आ चुके हो म्यू टू डिवाइडेड बाय सिग्मा टू और यहाँ पे गामा वन प्लस बीटा वन एक और करके दिखाता हूँ मान लो ये वाले को आपको करना है तो सिंस ये फोर्थ रो है तो आप लिखोगे फाइव माइनस म्यू फोर डिवाइडेड बाय सिग्मा फोर मल्टीप्लाइड बाय सिंस ये जेड टू है तो आप गामा टू प्लस बीटा टू करोगे और इस तरीके से आप इस पूरे डेटा को नॉर्मलाइज करोगे तो दिस इज द मेन डिफरेंस कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो मेन डिफरेंस ये है बैच नॉर्मलाइजेशन का और लेयर नॉर्मलाइजेशन का कि बैच नॉर्मलाइजेशन में आप जो नॉर्मलाइजेशन करते हो वो अक्रॉस बैच होता है वेर एज लेयर नॉर्मलाइजेशन में जो आप नॉर्मलाइजेशन करते हो वो अक्रॉस फीचर होता है ठीक है आई रियली होप आपको समझ में आ गया अब गाइज मैं बिल्कुल सेम एग्जाम्पल से आपको ये दिखाता हूँ कि क्यों ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर लेयर नॉर्मलाइजेशन को यूज करना ज़्यादा लॉजिकल है तो दिस इज द सेम एग्जैक्ट सेटअप जहां पर हम दो सेंटेंसेस को एक साथ सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में भेज रहे हैं और हमारे दोनों सेंटेंसेस के लिए कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर्स कैलकुलेट हो रहे हैं यू कैन सी ठीक है और यहाँ पर मैंने उनको स्टैक करके रख दिया है ठीक है सो so, यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन करो कि दिस इज द फर्स्ट एम्बेडिंग डायमेंशन दिस इज द सेकंड एम्बेडिंग डायमेंशन दिस इज द थर्ड एम्बेडिंग डायमेंशन इनको आप फीचर्स की तरह समझ सकते हो अब यहां पर भी हर एम्बेडिंग डायमेंशन का खुद का गामा और बीटा पैरामीटर होगा ठीक है अब हमें यहाँ पे लेयर नॉर्मलाइजेशन लगाना है और फिर से अगर आपको याद हो हम अक्रॉस फीचर लगाएंगे लेयर नॉर्मलाइजेशन विच मीन्स इस फर्स्ट वर्ड के लिए हम इन तीनों नंबर्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे फिर हम इन तीनों का भी निकालेंगे और ऐसे करते करते हम इस लास्ट वाले का भी निकालेंगे ठीक है अब लेट से हमें किसी पर्टिकुलर नंबर को नॉर्मलाइज करना है हमें इसको नॉर्मलाइज करना है तो कैसे नॉर्मलाइज होगा सिक्स पॉइंट फाइव माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गामा वन से और उसमें बीटा वन को ऐड कर देंगे अगर हमें इसको करना है तो हम लिखेंगे टू पॉइंट फोर वन माइनस म्यू वन बिकॉज पहला ही वर्ड है ये डिवाइडेड बाय सिग्मा वन मल्टीप्लाइड बाय गामा टू हो जाएगा बिकॉज ये सेकेंड फीचर है प्लस बीटा टू सिमिलरली अगर मुझे इसको करना है तो मैं लिखूँगा सिक्स पॉइंट फाइव माइनस म्यू एट डिवाइडेड बाय सिग्मा एट मल्टीप्लाइड बाय सिंस ये लास्ट फीचर है यहाँ पे आ जाएगा गामा थ्री प्लस बीटा थ्री अब आप खुद सोचो फ़ायदा क्या हुआ फ़ायदा ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर रो का म्यू और सिग्मा कैलकुलेट करने के प्रोसेस में ये जो पैडिंग वाले जीरोस हैं इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है सो so, डेटा में जो नंबर्स हैं हम उनकी ही हेल्प से म्यू और सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं विच मींस वो पर्टिकुलर म्यूज एंड सिग्मास सही रिप्रेजेंटेशन है डेटा का अब अगर आप इसको निकालना चाहो तो इसका म्यू फोर होगा और सिग्मा फोर होगा तो ये जीरो माइनस म्यू फोर ये खुद भी ज़ीरो होगा सिग्मा फोर भी ज़ीरो होगा मल्टीप्लाइड बाय गामा वन प्लस बीटा वन ज़ीरो ही आएगा राइट right? तो ये ज़ीरोज़ जो हैं ये सिर्फ ख़ुद को अफेक्ट करेंगे बाकियों को अफेक्ट नहीं करेंगे एंड दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट जो लेयर नॉर्मलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है इन दिस ट्रांसफार्मर्स सेल्फ अटेंशन सेटिंग ठीक है तो आई रियली होप मैं आपको ये पूरा पॉइंट समझा पाया कि लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हम बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ ना करके लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं ये बड़ा क्वेश्चन अगर आप आंसर कर पा रहे हो अपने दिमाग में तो ये जो वीडियो है मेरा ये मैं सक्सेसफुल मानूंगा ठीक है सो आई रियली होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया और आपको ये वीडियो पसंद आया अगर ये पसंद आया आपको वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय